डेट एंड टाइम की टेस्ट सीरीज की अगली क्वेश्चंस है और लास्ट क्वेश्चंस है कि मुझे यहाँ पे वर्किंग आवर कैलकुलेट करना। मान लीजिए कि मैं आज ही के डेट 27 जुलाई 2020 को 15 बजे मतलब कि 3 बजे ऑफिस गया और 28 जुलाई 2020 रात के 2 बजे ऑफिस से मैं छुटा, मैं कितना घंटा वर्क किया। देखिए अगर डेट से आपका टाइम जो है सेम डेट है, जैसे मान लीजिए सुबह आप ऑफिस गए और शाम में आप ऑफिस से आ गए सेम डेट, तो आप शाम में जो ऑफिस आ गए थे पीएम कर दीजिए, एम था पीएम कर दीजिए। तो उस केस में क्या करेंगे आप, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर देंगे, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बट अगर चेंज हुआ, जैसे मैं दोपहर में गया ऑफिस और रात को मैं 2 बजे या 3 बजे ऑफिस से बाहर निकला, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी डेट को लोअर माइनस अपर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 AM अगले दिन का हो गया ना, और अगले दिन का है इसके लिए यहाँ पे कोई है नहीं, तो क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए है कि दोनों टाइम को आप डेट एंड टाइम के साथ लिखो। जैसे आज की मैं लिखना चाहता हूँ 27:14 बजे मतलब कि दोपहर के 2 बजे मैं गया और 28 रात को 3 बजे ऑफिस से आया। अब लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम कीजिए, आपको यहाँ पे रिजल्ट निकल जाएगा। बट कि मेरे पास दो अलग अलग है, तो आप कैलकुलेशन करते समय ब्रैकेट में क्या करें कि लेटेस्ट डेट एंड डेट में टाइम को ऐड कर दीजिए माइनस फिर ओल्डेस्ट डेट में टाइम को ऐड कर दीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो होता है क्या है कि जो डेट होता है अब इसकी जनरल फॉर्मेट अगर आप करते हैं तो नंबर लिखेगा, और टाइम को अगर जनरल फॉर्मेट करते हैं तो क्या दिखेगा, डेसिमल दिखेगा। और दोनों तो आपको नंबर और डेसिमल दोनों होता है, मतलब कि जो नंबर में हो टाइम डेट है और डेसिमल में आपका टाइम, दोनों को प्लस करके हम इजीली उसको माइनस कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है, हाँ जी, समझ लेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट। हाँ जी सर, आगे सुनिए एक तो और मैंने सर आगे चार नंबर्स, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैंने बता दिया। सर एक और था आगे से, स्टार्टिंग से एक और था जो आपने कहा था गलत बनाया। हाँ, ये टेक्स्ट फॉर्मूले है ना,